यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम लूट संबंधी आधा दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ है। आरोपी को सोहना क्राइम ब्रांच की टीम ने काबू किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम से एक 50,000 इनामी बदमाश को काबू कर लिया गया है और एटीएम से लूट पार्ट से संबंधित ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में डीसीपी क्राइम को गुरुग्राम 50,000 इनाम का बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम लूट संबंधी आधा दर्जन वारदातों का यहां पर खुलासा हुआ है और बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि 50,000 का इनामी बदमाश गुरुग्राम से गिरफ्तार हो चुका है और एटीएम लूट संबंधी आधा दर्जन वारदातों का यहां पर खुलासा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, अभी आरोपी को पकड़कर कहां ले जाया गया है? देखिए, सोना की क्राइम ब्रांच टीम ने एक आरोपी सन्ना को गिरफ्तार किया है, जिसमें लगभग दर्जनों जो है वारदातों को अभी कबूला है। फिलहाल अगर बीते 17 नवंबर से 18 फरवरी की बात की जाए तो गुरुग्राम में अनेकों एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लाखों रुपए की जो है लूट हुई थी। पिछले कई महीनों से गुरुग्राम पुलिस की नाक में दम किया हुआ था, क्योंकि हर दिन जो है कहीं ना कहीं लूट की वारदात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस को कोई भी इस तरह का आरोपी नहीं पकड़ में आ रहा था, जिस इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कहते हैं अब एक आरोपी सन्ना है, जिसको अभी गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसने उसने कई वारदातों को कबूला है। तो फिलहाल और भी इस तरह के कितने ग्रोह जो है और इस ग्रोह में कितने लोग शामिल थे, उन सभी की अभी गुरुग्राम पुलिस जो है तलाशी कर रही है। जिस तरह आरोपी सन्ना पर 50,000 का इनाम था, इस तरह और भी अभी कई आरोपी है जिनके ऊपर गुरुग्राम पुलिस ने इनाम रखा हुआ है। फिलहाल उन सबकी तलाश की जा रही है। जी गुलशन, जिस तरह से लाजमी है कि कहीं बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी मिली है? देखिए, इसमें गुरुग्राम पुलिस के जो डीसीपी है क्राइम, वो अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद पूरी जानकारी जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी कि जो आरोपी सन्ना है उसने कौन कौन सी वारदात की है और किस किस वारदात में कौन कौन लोग शामिल थे, इन सभी का खुलासा जो है अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन ग्रोवर।